हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेल पथ अनुरक्षण। रेल पथ अनुरक्षण के 321 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल रेल पथ मास्टर, याद रखिएगा मास्टर, को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंदर आग लगाने वाले हैं और आप लोग जेई के एग्जाम के लिए आग लगा दीजिए। इसमें हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, हम करवाएंगे, आप कीजिए और जॉब लीजिए। तो चलते हैं, देखिए आज के पहले क्वेश्चन। दी पर्पोज ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट, बताइए कि रेल ज्वाइंट का संलयन का उद्देश्य क्या है? क्यों लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, तेल या ग्रीस क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, टू आइडेंटिफाई क्रैक्स, यानी क्रैक्स की पहचान होती है, इससे कहाँ दरार है नहीं है इस चीज़ की पहचान होती है लुब्रिकेशन से। दूसरा नंबर देखिए, फोर एक्सपेंशन कंट्रैक्शंस ऑफ रेल इंड्स, यानी ये क्या कहते हैं, रेल छोरों के विस्तार और संकुचन का पता चलता है, यानी कितना ये फैल रहा है, कितना ये सिकुड़ रहा है, संलयन से भी पता चलता है। दूसरा नंबर देखिए क्या, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस वियर ऑन फिशिंग फिशिंग प्लान लिखा है, टू रिड्यूस वेयर ऑन फिशिंग प्लान। देखिए तो इसका हिंदी क्या होगा, टू रिड्यूस वेयर ऑन फिशिंग प्लान, इसका हिंदी होगा कि फिशिंग प्लान पर घिसाव कम करना। तो और देखिए, तब देखिए, ये हमको लगता है सभी उत्तर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दी ट्रैक गेज कैन बी मेजर्ड विथ दी इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, रेल पथ गेज को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो गेज कम लेवल से मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मेजरिंग ट्रैक गेज दी रेड रीडिंग शो इन दी गेज कम लेवल इंडिकेट, कहता है कि रेल पथ को मापते समय अगर गेज में लाल रीडिंग आता है तो इससे क्या संकेत मिलता है? लाल रीडिंग को क्या संकेत मिलता है? तो इसको टाइट गेज बोलते हैं, ठीक है, TIGST, टाइट, टाइट गेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक इज इसेंटली बिकाउज इन इम्प्रूव, तो ये बोल रहे हैं कि ट्रैक का ओवरहॉलिंग करना आवश्यक है क्योंकि इसमें इससे सुधार होता है। क्या सुधार होता है? ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक इज इसेंशली बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्स, तो इससे होता है ड्रेन, यानी निकासी, पानी का निकासी होता है। ओवरहॉलिंग करते हैं ना तो उसमें जो भी डस्ट विस्ट रहता है पानी से धुला धुला के निकल जाता है और पटरी फ्रेश हो जाती है। देखिए, दिस सीव साइज यूज्ड फॉर मैनुअल डीप स्क्रीनिंग इज नहीं इन MM, तो मैनुअल गहरी स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सीव का आकार कितना MM होते हैं? दिस सीव साइज यूज्ड फॉर मैनुअल डीप स्क्रीनिंग इन MM, तो बताइए ये सीव कितना होते हैं? 25 MM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन थ्रो पैकिंग ब्लास्ट शुड बी ओपेंड आउट इन अदर साइड ऑफ रेल सीट टू ए डेप्थ ऑफ, तो देखिए ये क्या बोलते हैं कि थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर कितना MM गहराई तक गिट्टी खोले जाना चाहिए? थ्रू पैकिंग में 50 MM तक गिट्टी खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाइल डूइंग स्लोइंग ऑपरेशन
एंगल बिटवीन पेंटेड क्रोबार एंड वर्टिकल ऑफ रेल शुड नॉट बी मोर देन। ये बोल रहे कि घुमावदार प्रचलन करते समय लगाए गए क्रोबार और रेल के ऊर्ध्वाधर के बीच के कोण कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये खाली एगो याद रखिए ना, ठीक हम बताते हैं भैया। क्रोबार ये जो है क्रोबार कितना होते हैं 30, बस 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि इसमेंट ग्रेडियंट एट द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ ट्रेंस व्हाइल डूइंग लिफ्टिंग शुड नॉट बी स्लीपर। ये क्या बोल रहे हैं कि लिफ्टिंग करते समय गाड़ी गुजरने के समय सुविधा ढाल कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो है सुविधा ढाल जो होता है वो 25 mm पर रेल से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग डीप स्क्रीनिंग इफ शुड बी इंश्योर्ड दैट व्हेन ब्लास्ट इज बींगिंग रिमूव्ड फ्रॉम एनी स्लीपर्स इनवेरिएबली देयर आर एट लीस्ट डैश फुल्ली सपोर्टेड स्लीपर बिटवीन इट एंड द नेक्स्ट स्लीपर वर्कड अपॉन। ये बोल रहे हैं कि गाड़ी स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब गिट्टी को किसी भी स्लीपर से हटाया जा रहे हो तो हमेशा इसके लिए इसके बीच में कम से कम कितना स्लीपर आश्रित होना चाहिए। तो देखिए 4 स्लीपर तो आश्रित होना ही चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट इज नॉट मार्क्ड इन गैंग चार्ट है। व्हाट इज नॉट मार्क्ड इन गैंग चार्ट, तो यानी गैंग चार्ट में क्या निहित नहीं होती है बताइए आप लोग। नॉट मार्क्ड इन गैंग चार्ट में क्या नहीं होते हैं, इसमें सभी ऑप्शन पहले पढ़ते हैं तभी पता चलेगा। देखिए कहता है कि कैजुअली रेल रिनेवल डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक। तो याद रख लीजिए आप लोग भी कि डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक यानी रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग गैंग चार्ट में चिन्हित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन बिजी ट्रैक द ओपनिंग ऑफ रोड फॉर थ्रो पैकिंग शुड बी डन फ्रॉम एंड ऑफ स्लीपर टू डिस्टेंस डैश इनसाइड द रेल सीट। ये बोल रहे कि बड़ी लाइन थ्रू पैकिंग में के लिए रोड की ओपनिंग स्लीपर के अंत में रेल के सीट के अंदर कितना mm दूरी तक ओपनिंग होता है। तो ये होता है 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन केस ऑफ मास लुब्रिकेशन बाय गैंग्स द मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन शुड बी। ये कहते हैं कि गैंग द्वारा बड़े पैमाने पर संयन करने के मामले में पर्यवेक्षक का न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए। अगर बड़ी मात्रा में लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो उसमें सुपरविजर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तब हम मोटिवेट होकर के पूरे किताब जो IRPWM का इंग्लिश हिंदी का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और खुशी से बना के वीडियो पे अपलोड कर देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही।